बेली फैट का मसला मेल्स और फीमेल्स दोनों में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बढ़ रहा है, और इसके पीछे जो एक जेन्युइन रीज़न आ रही है वो हमारा ऑल्टर्ड, हमारा डिस्टर्ब लाइफस्टाइल। For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, I'm Zoha Suhail. I'm a lecturer at Rashidi Medical College and a clinical nutritionist at R. Murad Hospital and Murham. Today we'll talk about belly fat. Belly fat ka masla males or females dono mein bahut zyada shiddat ke sath bhar raha hai, aur iske piche jo ek genuine reason aa rahi hai wo hamara altered, hamara disturbed lifestyle hai. Hum logon ne apna lifestyle bahut zyada unhealthy bana liya, jis wajah se belly fat ka risk jo hai wo dono genders mein equal way mein nazar aa raha hai. मेल्स में अगर बैली फैट उनका बेस सर्कमफ्रेंस 40 इंचेस से अबव हो जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है. इसी तरह से अगर फीमेल्स में बेस सर्कमफ्रेंस उनका बैली फैट की वजह से 35 इंचेस से ज़्यादा बढ़ जाए उनमें भी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिसऑर्डर्स का मसला बढ़ रहा होता है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला आ रहा होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क उनमें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है. तो वो लोग जिनका बैली फैट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रहा है वो अपने लाइफस्टाइल को यहीं पे स्टॉप करके उसको अच्छा बनाना शुरू कर दें, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ दें और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएं, ताकि उनका जो बैली फैट है वो ज़्यादा ना बढ़ सके और वो रिवर्सल वे में चलना शुरू हो जाए. आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सुपर फूड्स जो बैली फैट को रिड्यूस करने में, वेस्ट सर्कमफ्रेंस को नॉर्मल लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. उसमें सबसे पहले हमारे पास सिनेमन आ जाता है, जिसको हम दालचीनी कहते हैं. सिनेमन में हमारे पास एक कंपाउंड मौजूद है जिसको हम सिनेमलिहाइड कहते हैं. अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बैली फैट को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिनेमन का इस्तेमाल किस वक्त किया जाए और कितनी मिकदार में इसका इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से उसको डाइट में इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि ये बैली फैट को खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे. उसमें यह आ जाता है कि जब आपने स्टार्ट करना है तो सिर्फ 1/4 टीस्पून से, एक चम्मच का जो चौथा हिस्सा है, आपने सिर्फ उतनी दालचीनी का इस्तेमाल करना है. इससे ज्यादा अमाउंट आपने नहीं कंज्यूम करनी. बेहतरीन वक्त इसका सुबह आपका निहारमुख का वक्त है, जिसमें आप लोग एक ग्लास टैप वाटर में, यानी कि आपका जो रूम टेम्परेचर पानी है उसके अंदर आप इसको डालकर कंज्यूम करें, या अगर आप इसको ल्यूकवार्म वाटर में भी कंज्यूम करते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है. उसके बाद जब पेशेंट्स की इसकी टॉलरेंस इंप्रूव हो जाती है फिर हम अर्ली मॉर्निंग भी रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके फूड्स में, उनकी मील्स में इसकी इनकॉर्पोरेशन को बढ़ाते हैं. सिनेमन के अलावा टर्मेरिक, जिसको हम हल्दी कहते हैं, हल्दी में हमारे पास कर्क्यूमिन मौजूद है. कर्क्यूमिन बॉडी में जाके बाइल एसिड के प्रोडक्शन को बनाते हैं. बॉडी के अंदर जितनी अच्छी बाइल की प्रोडक्शन होगी उतना अच्छे तरीके से फैट जो है वो इमल्सिफाई होगा, उसकी अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन होगी और वो एक्सक्रीशन होती जाएगी उसी गुड वे में. तो इसलिए जिन लोगों को बैली फैट का मसला है अगर वो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो अच्छी फैट की इमल्सिफिकेशन होगी, इस वजह से फैट जो है वो आपकी पेरिटोनियल कैविटी में, आपके वेस्ट के एरिया में एक्यूमुलेट नहीं हो सकेगा. बेहतरीन वक्त इसको कंज्यूम करने का अर्ली मॉर्निंग भी है और बेड टाइम. बहुत से लोग रात सोने से पहले दूध कंज्यूम करते हैं, तो कोशिश ये करें कि एक चम्मच का जो चौथा हिस्सा है 1/4 टीस्पून वो आप टर्मेरिक का, हल्दी का दूध में डालकर कंज्यूम करें, जिस वजह से बैली फैट के जो रिस्क है या जिन लोगों का बैली फैट वो भर चुका है उसे वो बेहतर. टर्मेरिक का, इसके अलावा ग्रीन टी में हमारे पास दो कंपाउंड्स मौजूद हैं जो हमारे वेस्ट सर्कमफ्रेंस को, हमारे बैली फैट को हेल्दी रेंज में रखते हैं. एक उसमें EGCG मौजूद है और सेकेंड इसमें कैटोजेंस मौजूद है. एक तो ये हमारे निज़ाम हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और दूसरा हमारे बॉडी में जो एक्सेस और बैड फैट एक्यूमुलेशन हो रही होती है उसको बर्न आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह आते हैं कि एक दिन में कितने कप्स ग्रीन टी कंज्यूम करने चाहिए और किस वक्त पे कंज्यूम करने चाहिए. बहुत से लोग ये समझते हैं कि जितनी ज्यादा हम ग्रीन टी कंज्यूम करेंगे उतना हमारा जो बॉडी वेट है, जो बॉडी में इजाफी फैट मास एक्यूमुलेट हो चुका है, वो कम होता जाएगा. ग्रीन टी में ऐसा नहीं होता. आप लोग जितनी ज्यादा ग्रीन टी कंज्यूम करेंगे बॉडी में डिहाइड्रेशन उतनी ज्यादा होती जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी में से निकलते जाएंगे, क्योंकि जो ग्रीन टी है वो एज अ डायोरेटिक भी काम करती है, एज अ पेशाब आवर काम करती है, बहुत ज्यादा यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, और जितना ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट आउट करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो भी बाहर निकलते जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो बेहतर होती जाएगी. तो एक दिन में वो लोग जिनको बैली फैट का इशू है वो एक दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें और खाने के वक्त पर इसको इस्तेमाल ना करें, यानी कि जो आपका लंच टाइम है उस वक्त इस्तेमाल ना करें, डिनर के टाइम पर इसको इस्तेमाल ना करें, इवन नाश्ते के टाइम पर इसका इस्तेमाल परहेज करें. तो इसका बेहतरीन वक्त है वो 10-11 बजे का वक्त है, जो आपका मिड मॉर्निंग स्नैक आ रहा होता है, 4 से 5 बजे का वक्त, जो आपका आफ्टरनून स्नैक का वक्त होता है. इन दो वक्तों में आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर में हमारे पास क्रोमियम मौजूद है. क्रोमियम एक तो हमारी बैली फैट जिन लोगों में ज्यादा हो रहा हो तो उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो रही होती है, रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, यानी कि उनके सेल्स जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते,
जब सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वहां पर ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, शुगर का मसला उन लोगों में ज्यादा हो रहा होता है। तो अगर बैली फैट वाले पेशेंट्स अपनी डाइट में यानी कि क्रोमियम वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्लैक पेपर में हमारे पास मौजूद है, तो इसके इस्तेमाल से उनके बॉडी में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, शुगर का मसला आ रहा है, तो वो इससे नहीं हो सकेगा। इसलिए जिन लोगों को बैली फैट का मसला है वो एक दिन में 3 से 4 काले मिर्चों का इस्तेमाल जरूर रखें ताकि उनका जो बैली फैट भर रहा है उसके थ्रू ना भर सके। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर जो आपका सेब का सिरका, मैं यहाँ पर सेब के सिरके की बात कर रही हूँ, सिंथेटिक विनेगर जिसको व्हाइट विनेगर से सफेद सिरका कहते हैं उसकी बात नहीं कर रही, जो आपके पास एप्पल साइडर विनेगर जो सेब का सिरका है उसका इस्तेमाल बैली फैट के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि वो एज अ थर्मोजेनिक काम करते हैं और बॉडी में मौजूद जो इजाफी चर्बी होती है उसको बर्न आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो आपने सिर्फ आधी चम्मच से इसको स्टार्ट करना है, 1 कप ल्यूकवार्म वाटर, इससे ज्यादा इसकी अमाउंट आपने एकदम से इस्तेमाल नहीं करनी और प्रोग्रेसिवली अपनी कंसल्टिंग के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कलौंजी में हमारे पास एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसको हम नाइजोलोन कहते हैं और ये हमारे लिए सेंट्रल ओबेसिटी सेंट्रल बॉडी फैट जो कि एब्डोमिनल रीजन में ज्यादा आ रहा होता है उसको बर्न आउट करने में इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कलौंजी का इस्तेमाल अपनी डाइट में करते हैं, वो लोग जिनको बैली फैट का मसला हो चुका है या वो लोग जिनका बैली फैट भर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके थ्रू वो फायदे हासिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कलौंजी कितनी मकदार में कंज्यूम करना चाहिए। कलौंजी जब आपने कंज्यूम करनी है उसे सिंपल 4 से 5 दानों से कंज्यूम करनी है। आप उसको निहार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको अपनी रोटी में आटे में गूंद कर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट लोग गर्मी के मौसम में चटनी कंज्यूम कर रहे हो तो चटनी उसको डालकर कंज्यूम कर सकते हैं, आप सिंपल पानी के साथ भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग डाइट की तो बात करिए, आप फिजिकल एक्टिविटी के बारे में जब बात करते हैं आपको बेहतर लगता है, फिजिकल एक्टिविटी किस तरह से बैली फैट के लोगों के लिए अच्छी है, उसमें आ जाते हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ स्टाइल में इंकॉर्पोरेट करें। अगर आप सेडेंटरी हैं, पूरा दिन आप किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं करते तो उस चीज को जरा खत्म कर दें क्योंकि बैली फैट के लिए डाइट का भी बहुत अच्छा रोल और साथ फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत अच्छा रोल है। तो इन दोनों चीजों को अपने लाइफ स्टाइल में इंकॉर्पोरेट करें ताकि हेल्दी वे में आप वजन को और बैली फैट को रिड्यूस कर दीजिए। एक्सरसाइजेस में ऐसी एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल रखें जो आपके बैली फैट को बर्न आउट करें, जिसमें क्रंचेस आ जाते हैं, जहां पर आपके बैली फैट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन